हेलो वरिन कोर वीडियो में आपका स्वागत है। भाई आज हमारे पास है हीरो एक्सट्रीम 125R 2024 का लेटेस्ट लॉन्च। और भाई ये है इसकी की, जहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल सी की है, लेकिन भाई जो इसके फीचर है भाई काफ़ी कमाल के हैं, जहाँ पे भाई और कोई कंपनियाँ प्रोवाइड नहीं करती हैं। सबसे बात करते हैं भाई इसका मेन हाईलाइट की, तो सबसे भाई इसका सबसे मेन हाईलाइट है और जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है 125cc गाड़ी। सबसे पहले भाई इसका जो है पीछे का भाई टायर, और ये जो सामने अभी यह लाइट देखो, इसमें भाई हजार्ड का डेडिकेटली बटन देखने को मिल जाएगा। दो मैं आपको दिखा दिया हूँ भाई डिफरेंस। तीसरी बात करते हैं इस 125cc सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है भाई ABS का साथ सिंगल चेन ABS आपको देखने को मिल जाता है। और भाई लुक तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी शानदार आपको लुक इस गाड़ी के साथ देखने को मिलती है। इस वीडियो भाई इसका कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जा रही, इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होने वाली है, सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल से बात करूँगा। स्टार्ट करते हैं इसके भाई फ्रंट प्रोफाइल से, जहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले भाई बात करोगे यहाँ पे आपको देखोगे काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे आप देखोगे ये आपको DIL देखने को मिल जाएगी, DIL की डिजाइन कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पे हीरो का आपको लोगो मिल जाएगा, नंबर प्लेट आपको यहाँ पे लग जाएगा, लुक काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ये आपका मेन लाइट मिल जाएगा, जो कि आपको LED बेस आपको लाइट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। जहाँ से बात करोगे कुछ इस तरीके से इसका सस्पेंशन आपको देखने मिल जाएगा ABS के साथ। और इसमें आपको दो वेरिएंट आते हैं भाई, एक ABS एक विदाउट ABS वाला, तो दोनों आप वीडियोस मेरे चैनल पे आ गया वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं ABS की, इसमें 276mm का आपको ABS मिल जाएगा, मतलब डिस्क मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से टायर साइज़ की बात करते हो, MRF का टायर ट्यूबलेस के साथ यहाँ पर आप देख पाओगे, ट्यूबलेस 1917 का आपको टायर सेशन देखने को इस बाइक के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से भाई ये हजार्ड का आपको बटन मिल जाएगा, और ये भी आपको LED बेस आपको लाइट देखने को मिल जाएगा। ये आपको हल्का सा फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिलता है, जो भाई इसका लेंथ भाई काफ़ी अच्छी खासी लेंथ के साथ इस बाइक आती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे आपको मिलेगा 125R का स्टिकर, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देखने मिलती है। और जो यहाँ से ये काउल निकल के आता भाई अच्छी लुक आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंगल हॉर्न, एक बार हॉर्न सुनाता हूँ भाई, सिंगल हॉर्न है लेकिन काफ़ी तगड़ा हॉर्न आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ आप देख पाओगे 125cc का आपको जो आपको मिल जाएगा इंजन, जहाँ पे भाई पावर प्रोड्यूस करता है 11.4 BHP का पावर मिल जाएगा 8250 RPM पे। टॉर्क की बात करोगे तो इसमें आपको 10.4 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 6000 RPM पे, जो कि आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। लेकिन भाई इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है, यहाँ पर आपको 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर ये आपको एक अप एक डाउन चार अप आपको करना पड़ेगा। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और ये ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाता है। ये कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलता है। और इसका भाई बात करते हैं माइलेज, कोई भी बाइक लो भाई अगर माइलेज अच्छी नहीं है तो वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि भाई माइलेज काफ़ी मेन प्रायोरिटी हो जाती है। तो इसमें भाई 68 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, और अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो 60 आपको माइलेज देखने को मिल जाता है। टैंक कैपेसिटी की बात करोगे तो इसमें आपको 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां से तो कुछ इस तरीके से इसका टैंक आपको देखने को मिल जाएगा, और ये E20 पेट्रोल को भी सपोर्ट करता है, तो एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से आपको इजीली ओपन हो जाएगा भाई, तो कोई हासिल आपको करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से एक्सट्रीम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी ये भी आपके पास चॉइस हो जाती है कि आपको रेड लेना क्या कलर लेना, वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको ये आपको फाइबर आपको देखने मिल जाएगी, यहाँ पे भी फाइबर। बाकी काफ़ी इसमें टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ, आई थिंक 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक के साथ देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी बैच की बात करते हैं, स्प्रिंट EVT आपको देखने मिल जाएगा, हीरो का आपको लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पर भाई साइड स्टैंड कट ऑफ मैंने बता दिया, यहाँ पे लेडीज़ के लिए आपको फुटरेस्ट आपको यहाँ पे लग जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इंजन प्रेस गार्ड भी आपको लगा हुआ मिलेगा। बात करते हैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस की, 99,500 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और ये ऑन रोड जाती है भाई गोरखपुर में नव्या मोटर्स पे, 1,22,314 इसकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अगर वहीं बात करते हैं इसके वेस वेरियंट की, तो उसकी वेस वेरियंट की प्राइस जाती है 95,000, और जाती है ऑन रोड 1,16,637 इसकी ऑन रोड प्राइस जाती है इसके वेस वेरियंट की। अब बात करते हैं इसके सीट का सीट की, तो यहाँ पे भाई बात करते हैं सीट कुशन काफ़ी सॉफ्ट आपको देखने को मिल जाता है इस बाइक के साथ, और इसमें आपको केवल स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको फुटरेस्ट आप देख पाओगे, फुटरेस्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आपको फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है।
और जो इसमें आपको मेन हाईलाइट आप देखोगे भाई 125 सी सेगमेंट में आपको 120 mm के आपको टायर देखने को मिलते हैं। अगर बात करोगे और भी जो आते हैं 160 cc की गाड़ियों में, वहाँ पे भाई 120 mm का आपको टायर देखने को मिलता है, जो कि भाई इसमें आपको 125 cc के अंदर आपको 120 mm का टायर प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो 120/80/70 का आपको टायर मिल जाएगा ट्यूबलेस के साथ, और कुछ इतना वाइड आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे लेडीज़ के आपको सेफ्टी के लिए ये आपको यहाँ पे आपको मतलब काफ़ी अच्छे लुक को प्रोवाइड किया गया, उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिल जाएगा, राइडिंग कंफर्ट काफ़ी बेहतर होने वाला है, और ये सारी चीज़ आपको फाइबर देखने को मिल जाएगा। रियर के टायर मड क्लैप के लिए आपको यहाँ पे दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप दी गई है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर किया गया है, और ये कुछ इस तरीके से इसका मेटल आप देख सकते हो काफ़ी हैवी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हो भाई काफ़ी मोटा है। अभी बात करते हैं भाई इसका रियर से आपको देखो लुक काफ़ी अच्छी खासी लुक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे स्प्लिट ग्रेवियल देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, काफ़ी वाइड आपको ग्रेवियल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हीरो का बेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसका LED लाइट मिल जाएगा अट्रैक्टिव लुक के साथ। और जो इसका है भाई यहाँ से ये निकल गया काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हो कुछ इतना लंबा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई अभी मैं इसको दबा रहा हूँ भाई ऐसे काफ़ी मजबूत आपको किया गया। कैसे ये देखो भाई यहाँ से फुल्ली आपको ये मेटल लेके आया गया है जिससे इसको काफ़ी अच्छा खासा मजबूती मिल सके, तो ये भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें को ध्यान में रखा गया। बाकी यहाँ पे आप देखोगे ये अपना LED इंडिकेटर देखने मिल जाएगा, नंबर प्लेट लाइट हैलोजन के साथ देखने मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो गई। अभी बात करते हैं भाई इसका साउंड की, साउंड कैसा आ रहा भाई, तो सबसे पहले भाई साउंड स्टार्ट कर लेते हैं। रैप करता हूँ भाई, ये कुछ इस तरीके से इसका एक्चुअल एग्जॉस्ट साउंड आ रहा है। आप लोग बताएं साउंड कैसा लग रहा है, थोड़ा सा भाई शोरूम पे आवाज़ है, थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी एक बार मैं क्या करता हूँ इसका भाई मीटर डिटेल कर देता हूँ। जहाँ पे आप देखोगे येलो बीम हाई बीम का आपको देखने मिल जाएगा, 1000 का डेडिकेटली बटन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, पास आपको देखने मिल जाएगा, ये अपना लेफ्ट साइड इंडिकेटर देखने मिल जाएगा, ये हॉर्न मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फुल्ली डिजिटल मीटर जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड का, ट्रिप का और किलोमीटर का, ABS का आपको साइन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और भाई ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इसका भाई सारा चीज़ें मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसका भाई टेस्ट राइड वीडियो अपने चैनल पर आ गया, एक बार चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल से बात किया हो कि गाड़ी कैसी कैसी नहीं है। करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।